दबे रहो वेस्ट, उसके निशान जब बाहर निकल के आते हैं आप उसको टक करिए वैसे, और अपनी शर्ट आपकी बिल्कुल स्ट्रेट और खींची। चिकन लेग्स, बाइसेप इज नॉट द ओनली थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट, लड़कों को धीरे धीरे ये बात समझ आ चुकी। वॉशरूम से निकल के आते हैं आपने नोटिस करा होगा पजामा के ऊपर हल्के से ड्रॉप्स गिर। नाइट फॉल वेट ड्रीम्स या स्वप्न दोष में। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज कैरन एडिटिंग योर ओन द फॉर्मल एडिट। आज हम बात करने जा रहे हैं वो पर्सनल प्रॉब्लम्स जो लड़के फेस करते हैं ऑलमोस्ट ऑन डेली बेसिस, विच लीव देम एम्बैरेसिंग और बहुत नेचुरल है। दिस इज डेडिकेटेड टू गाइस, थोड़ा पर्सनल है। इफ यू आर नॉट अ गाय प्लीज लीव द रूम जस्ट फॉर गाइस, क्योंकि उनके लिए हैक्स आई है। और हाँ, दीज आर लाइफ सेविंग हैक्स विच गोना हेल्प यू अ लॉट, सो डू नॉट मिस इवन अ सिंगल सेकंड ऑफ दिस वीडियो, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। फर्स्ट कॉमन प्रॉब्लम है आपके जो इनर वेयर है, बेसिकली अंडरवेयर हो वेस्ट, उसके निशान जब बाहर निकल के आते हैं कपड़ों, चाहे आप डेट पे हो, कॉलेज पे हो, ऑफिस हो, कहीं पे भी, इट नेवर लुक्स प्रेजेंटेबल। उसको कैसे हाइड करें, कैसे छुपाएं, फर्स्ट इज गो फॉर सीमलेस अंडरवेयर। उसकी सीम होती है वो निशान देती है, सीमलेस पहनेंगे निशान नहीं आएगा, यू डोंट हैव टू सर्च इट विदाउट एनी पेड प्रमोशन। मैंने आपके लिए सर्च करके नीचे रखा है उसका लिंक्स। और क्या कर सकते हैं, अगर आपको नहीं खरीदना, गो फॉर डार्क कलर्ड बॉटम्स या थिक मटीरियल जिनका होता है डेनिम कॉर्डरॉय हो गया, पतले मटीरियल जैसे कि लिनन पहनते हैं, सिल्क पहनते हैं तो बाहर निकल के आता है, आपने देखा होगा। गो फॉर पैटर्न्स जैसे कि चेक हो गया या स्ट्राइप्स हो गया, वो पैटर्न उसको मर्ज कर देता है। बेस्ट कलर क्या है इनर वेयर के लिए, बेस्ट इज ग्रे, गो फॉर ग्रे कलर्स, लाइट ग्रे बहुत अच्छा रहता है। एंड यस, लास्ट थिंग व्हेन इट कम्स टू अबाउट द फिटिंग, वो ज्यादा लूज नहीं होना चाहिए, ज्यादा टाइट की आपकी बिल्कुल मूवमेंट नहीं हो पा रही वो नहीं होना चाहिए। इट हैज टू बी फिट विद योर बॉडी, तभी निशान नहीं निकल के। कितने भी महंगे कपड़े हो, फिटिंग इज द ओनली थिंग व्हिच मैटर्स, फिटिंग एंड चेंज द गेम, ये आपको पता है। लड़कों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां आती है फिटिंग की, जब शर्ट टक करते हैं या बॉटम के एंड पे, दोनों को क्या सोल्यूशन है। पहले जब आप शर्ट टक करते हैं उसके लिए शर्ट टकर खरीद सकते हैं, वो बिल्कुल दिखता नहीं है, शर्ट बिल्कुल स्लिम फिट और प्रॉपरली टक लगेगी। 150 से 200 रुपए का अमेजोन से टक्कर आता है, वो इन्वेस्ट नहीं करना। इलास्टिक आप रैप अराउंड करिए, अपने बेल्ट के नीचे जो सरफेस होता है वहां पे आप उसको टक करिए वैसे, और अपनी शर्ट आपकी बिल्कुल स्ट्रेट और खींची हुई रहेगी और कंफर्टेबल भी रहेगी। और क्या दोस्तों, जब बॉटम के एंड्स होते हैं, चीनोस हो या डेनिम हो, उसको दो फोल्ड करा, पानी स्प्रिंकल करा, आपने उसको प्रेस मार दिया, बस दोनों फोल्ड इक्वल होने चाहिए और थोड़े स्लीक होने चाहिए। वो बिल्कुल रोल्ड अप डेनिम जो रेडीमेड मिलती है या चीनोस मिलते हैं तो वैसे लगेगा। आप जब भी वॉशरूम से निकल के आते हैं आपने नोटिस करा होगा पजामा के ऊपर हल्के से ड्रॉप्स गिरे होते हैं, उसका दो रीजन है। पहला, आपने इनर वेयर पहना हो या वो लाइट कलर का बॉटम हो, या दूसरा क्या, आपके ब्लैडर का कंट्रोल वीक है, जिसको यूरिनरी इनकंटिनेंस कहते हैं। बेसिकली पेल्विक मसल की एक्सरसाइज उसके लिए करें, स्क्वाट होल्ड हो गया, और आप बैठ के पी करें हल्का सा आगे जाके, आपका ब्लैडर अच्छे से साफ होगा। और आप पहनने में क्या ध्यान रखेंगे, आप जब भी अंडरवेयर खरीदे उसके डिस्क्रिप्शन में क्या पढ़ना है, आपको लीक प्रूफ होना चाहिए, एक दो ड्रॉप्स या तीन ड्रॉप्स बेसिकली एब्जॉर्ब कर पाए। और क्या, आप पजामा जब भी खरीदेंगे डार्क बॉटम्स। चिकन लेग्स, बाइसेप इज नॉट द ओनली थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट, लड़कों को धीरे धीरे ये बात समझ आ चुकी है, क्योंकि बॉडी प्रोपोर्शनेट नहीं लगती, कई एरियाज फ्लैट लगते हैं। मैं आपको हैक्स बताने जा रहा हूं विच कैन मेक यू लुक फुलर नीचे से, और एक्स्ट्रा विथ मिलेगी आपको बॉटम पे। क्या है, आप मल्टी पॉकेट क्या बॉटम्स पहन सकते हैं या कार्गोस पहन सकते हैं, उससे आपको एक्स्ट्रा विथ मिलती है। लाइट शेड पहन सकते हैं, डार्क आपको अवॉइड करना है, जैसे कि आपका लाइट ब्लू हो गया, ग्रे हो गया, बेज हो गया, व्हाइट हो गया। और क्या, थिक मटेरियल पहन सकते हैं, आपको वो डेनिम प्रेफर करनी है जिसमें जिप ना हो, वो नहीं आपको प्रेफर करनी है जिसके अंदर बटन्स हो, वो हल्का सा विथ देगी आपको। और क्या, आपका जो काफ एरिया है वहां से बिल्कुल चिपका नहीं होना चाहिए, 1 इंच का अलाउंस होना चाहिए। एंड हाँ, स्टार्ट हिटिंग लेग्स। आपने सुबह उठ के नोटिस करा होगा आपकी आंखों के कॉर्नर में या नीचे आई लैशेस पे ये सब होता है, इसको आई बूगर कहते हैं। बेसिकली आपकी आई जब भी ब्लिंक होती है म्यूकस और हल्का सा टीयर प्रोड्यूस करती है ऑटोमेटिकली, आप पूरी रात जब ब्लिंक नहीं करते वो इकट्ठा हो जाता है, दैट्स नॉर्मल एंड नेचुरल। लेकिन कई लोगों को आंखें स्टिकी स्टिकी हो जाती है, ज्यादा इकट्ठा होता है, उसके लिए क्या करना है, आपको कभी भी डर्टी हैंड से पिक नहीं करना, इन्फेक्ट हो सकता है या वो बढ़ सकता है और इरिटेट कर सकता है आंखों को। बेस्ट वे क्या है, हल्का गरम करना है, किसको, एक टॉवल को, क्लीन टॉवल को, गरम मतलब बहुत गरम नहीं, हल्का सा ल्यूक वार्म करके उसको क्लीन करना है। और आप पॉल्यूशन वाले एरिया, डर्ट या धूल में ज्यादा रहते हैं, बाहर से आते हैं, आपको आई ड्रॉप जरूर यूज करना है। एंड बेस्ट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप जब तक अवॉइड कर सकते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज आपको अवॉइड करना है। ड्रिंक मोर वाटर एंड अवॉइड स्मोकिंग। नाइट फॉल वेट ड्रीम्स या स्वप्न दोष व्हेन अ मेल इजैकुलेट्स व्हाइल स्लीपिंग, ये होता क्यों है, आपकी जो पीनल नर्व्स है वो कभी कभी वीक हो जाती है, या क्या, आपका सीमन थिन हो जाता है या ब्लैडर भर जाता है, सीमन को बाहर आना होता है, और बहुत सारे रीजन है। लेकिन इसका क्या सोल्यूशन क्या है, आपका एनवायरनमेंट बिल्कुल ठीक होना चाहिए पूरी पूरी टाइम, ऐसे दोस्त आसपास जो बातें करते हैं, ऐसी चीजों पे आप एंगेज रहते हैं, आपको सेक्सुअली अराउज करते हैं। आपका मेन क्या है, सोना, सोने से पहले आप काम होने चाहिए, सो मेडिटेट बिफोर स्लीपिंग 10 to 15 minutes, बॉडी को काम करता है। वर्कआउट अगर आप करते हैं दैट्स प्रूवन की बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स करता है एंड काम करता है। डाइट इज द की, डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादा हाई कैलोरी फूड खाएंगे, स्पाइसी फूड खाएंगे, दैट इज रॉन्ग फॉर यू। आपको क्या ऐड करना है, क्लीन घर का खाना,
आंवला डाल सकते हैं और लौकी का जूस बहुत अच्छा बताया गया है इस चीज के लिए। और इंपॉर्टेंट क्या है, सोना पेट के बल नहीं है आपको, और अवॉइड कर रहे हैं टाइट कपड़े व्हाइल स्लीपिंग। बॉयज कैन ऑल्सो फील लो, क्यों? क्योंकि कंपैरिजन करते हैं कभी कभी, किसी का लाइफस्टाइल अच्छा है, किसी के पास गर्लफ्रेंड है, लोनलीनेस फील हो रही है, किसी की बॉडी से कंपैरिजन करते हैं, उसका क्या सोल्यूशन है? टू स्टे बिजी, दूसरा टू मेडिटेट, आपके माइंड पे कंट्रोल आएगा, व्हेन कंट्रोल आएगा तो इमोशंस पे कंट्रोल होगा, और क्या, हैव अ गोल, फोकस ऑन अ गोल, बिकॉज वन डे इफ यू विल बी सक्सेसफुल तब आपके पास लोग होंगे, तब आपके पास सिलेक्शन होगी किससे बात करनी है किससे नहीं, देन चूज वाइजली, कोई फीमेल फ्रेंड हो, चाहे ट्यूशन की हो चाहे कॉलेज की हो, जिससे आप अपनी इमोशन शेयर कर पाए, सो दैट यू कैन फील रिलीव। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज बैड, बेसिकली मास्टर की ज्यादा इच्छा को हल्का सा कंट्रोल कैसे लाएं, जब भी आप वॉशरूम जाएंगे आपको गैजेट्स अवॉइड करने हैं। डाइट का सबसे बड़ा रोल है, क्यों? एफ्रोडीसियाक फूड्स होते हैं, जैसे कि ज्यादा स्पाइसी, ज्यादा मसाले वाले, वाटरमेलन हो गया, और ये सारी लिस्ट आपको अवॉइड करनी है। आपको डालना क्या है, जैसे ज्यादा वाटर इनटेक, आप कोकोनट वाटर, लेमन वाटर, आंवला डाल सकते हैं, और क्या, योगा से विल पावर बढ़ती है, तो डू योगा ऑन रेगुलर बेसिस, एंड लास्ट हैव अ गोल। अगर आप बिजी रहते हैं, आपने देखा होगा पूरे दिन, तब आपकी इच्छा नहीं करती, तो हैव अ गोल एंड हैव अ शेड्यूल। डार्क प्राइवेट बॉडी पार्ट्स, अंडरआर्म हो गए, आपके जेनिटल्स हो गए, ये थोड़े से एज कंपेयर टू नॉर्मल बॉडी थोड़े डार्क होते हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन। ऐसा क्यों? मेलानिन का काम होता है आपको कलर देना, उसके जो सेल्स होते हैं इस एरिया में हार्मोन सेंसिटिव होते हैं, हार्मोनल चेंजेस जब बॉडी में होंगे ये पूरे टाइम एरिया फ्रिक्शन में रहते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा एज कंपेयर टू नॉर्मल बॉडी डार्क रहता है। दैट इज नेचुरल, सभी के होते हैं। स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद जिसको आप स्क्रीन पे देखते हो, जिनकी बॉडी एडिटेड होती है, जिनकी बॉडी पे टचअप लगा होता है, या बॉडी स्प्रे या सर्जरी होती है। इट्स नेचुरल, जस्ट कीप इट हाइजीनिक और क्लीन, दैट इज इट। बॉडी में से स्मेल आती है आपके अंडरआर्म प्राइवेट एरिया से, ऐसा होता क्यों है? एपोक्रिनिक ग्लैंड होता है, जिसको स्वेट ग्लैंड कहते हैं, जहां पे ज्यादा स्वेट होता है तो बैक्टीरिया ब्रेक डाउन होता है, वहां स्मेल आती है। अब उसके लिए रेमेडी और हैक क्या है, बेसिकली एवरी 30 डेज यू हैव टू क्लीन योर जंगल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा क्या, डाइट में ये चीजें अवॉइड करनी है जिससे स्मेल थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है, अनियन, गार्लिक, कॉफी, और ये पूरी की पूरी लिस्ट आपको अवॉइड करनी है। और इसके साथ क्या अवॉइड करना है आपको, जब भी आप स्वेट करके आएंगे, एक हॉट वाटर टॉवल लेना है जिसमें हल्का सा सेंधा नमक डाला होगा, एस्पम सॉल्ट कहते हैं, उससे आपका अंडरआर्म या प्राइवेट एरिया को थोड़ा सा क्लीन करके रखें। तो दोस्तों, ये सब कुछ था अबाउट दोस्त पर्सनल हैक्स, जो लड़कों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले, एंड हाँ, अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब।